जैसा कि सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार है, महाविकास अघाड़ी की सरकार है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं और अपनी अपनी नीतियां चलाती हैं, लेकिन उस नीति से जिससे कि लोग प्रसन्न हों, लोगों को अच्छा लगे, वह सरकार लोकप्रिय मानी जाती है। लेकिन सरकार के उस काम से जिससे कि लोग असहमत हों, भिन्नताएं रखते हों और उसका विरोध भी करते हों, तो ऐसी सरकार अलोकप्रिय मानी जाती है। महाराष्ट्र की सरकार के बारे में हम सीधा सीधा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सीधा सीधा कहने का मतलब होता है कि जेल। अभिव्यक्ति की आजादी पर आधार संविधान के आर्टिकल 19 पर उठा रहा हूं, कुछ भी बोलने का अधिकार वापस ले लिया जाता है। यानी कि एक तरह से अगर विपक्ष के शब्दों में कहें तो इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक बात जो सच है उसे मैं बार बार कहूंगा और यह कहने की हिम्मत मुझ में है, टीवी वन इंडिया में भी है। आपको उस सत्य से रूबरू कराते हैं जो इस समय चल रहा है। महाराष्ट्र के सरकार द्वारा यह किया जा रहा है। हालांकि वैसे तो शिवसेना को हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है, हिंदुओं के लिए बहुत कुछ करती है, उसके लिए झंडे बैनर लेकर के तैयार रहती है। लेकिन इस समय की जो स्थिति है वो इस कुछ अलग दिख रही है। अलग इसलिए दिख रही है कि यहां पर महाराष्ट्र में जो मंदिर हैं वो बंद हैं। आप कहेंगे, दर्शकों आप कहेंगे कि आप नया क्या बता रहे हैं, तो मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूं, मानसिकता बता रहा हूं महाराष्ट्र सरकार की, या फिर ऐसे सरकार की जहां पर मंदिर तो बंद हैं, आस्था के दरवाजे बंद हैं, लेकिन खुला क्या है? शराब के अड्डे, शराब के ठेके। हमारे समझ में यह नहीं आता कि कोरोना के चलते अगर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं तो कोरोना के चलते शराब के ठेके क्यों खोल दिए गए हैं, इस कोरोना काल में शराब के ठेके क्यों खोले गए हैं। सवाल यह है, क्या जो आदमी पूजा करने के लिए जाता है मंदिर में, अपने परिवार के साथ जाता है, अपने सगे संबंधियों के साथ जाता है, पूजा करने के लिए जाता है, वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज्यादा करेगा, या फिर जो मदिरालय में शराब पीने जाता है, मधुशाला में शराब पीने जाता है, या फिर ठेके पर शराब लेने जाता है, वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज्यादा करेगा? सवाल मेरा यह है, अगर शराब पीने वाला व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकता है तो हमारे मंदिर में जाने वाले लोग और पूजा करने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर पाएंगे? सरकार ऐसा क्यों सोचती है? जो नशे में धुत है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा, और जो आस्था से लबरेज है, मंदिर में पूजा करने जाना चाहता है, मस्जिद में अपनी इबादत करने जाना चाहता है, वह व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा। मंदिर में जाने से दर्शकों, मैं ये बात बताना चाहूंगा, मंदिर में जाने से कोरोना पकड़ लेगा आपको, ज्यादा सावधानी की जरूरत है। और मदिरालय में जाने के लिए, जी हां, मदिरालय में जाने के लिए, मधुशाला में जाने के लिए, शराब के ठेकों पर जाने के लिए, वहां जाने पर आपको
कोरोना नहीं पकड़ेगा। संभावना किसकी ज्यादा दिखती है? बात यहां दरअसल यह नहीं है, बात यहां यह है कि किससे हमें राजस्व ज्यादा आता है। दर्शकों, सीधी बात पैसे की है। सरकार की कमाई किससे ज्यादा होती है उस पर वो ध्यान देती है, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर राजस्थान की सरकार हो या यूपी की सरकार हो। हम किसी एक सरकार की बात नहीं करते, हम उन सरकारों की बात कर रहे हैं जो मंदिर और शराब के ठेकों पर दोहरा मापदंड अपनाए हुए हैं। ऐसा क्यों है, दोहरा मापदंड क्यों अपनाए हुए हैं, यह मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार बहुत अधार्मिक हो गई है, वह नहीं चाहती कि मंदिर और मस्जिद खुले, लेकिन अगर यह बात नहीं है तो उसने ऐसा क्यों किया, यह सवाल खड़ा होता है। इसका जवाब हम देते हैं आपको। इसका कारण है, शराब से सरकार को जो आय प्राप्त होती है उसके लिए वो बेचैन है। महाराष्ट्र की सरकार को जो शराब से आय प्राप्त होती है दर्शकों, वह शराब के ठेके खोलने के लिए उसे मजबूर करती है। इसका सीधा उदाहरण मैं बताता हूं आपको। पुराने आंकड़े हमारे पास इस समय मौजूद हैं, पुराने आंकड़े मौजूद हैं, लेकिन ये असलियत खोलने के लिए काफी है। यह असलियत सरकार की खोलने के लिए काफी है कि मंदिर क्यों नहीं खोले गए और दर्शकों शराब के ठेके क्यों खोल दिए गए। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं। आंकड़े ये कहते हैं, 2017-18 के ये आंकड़े हैं, वित्तीय वर्ष 2017-18 के आंकड़े हैं, जिनमें शराब से राज्य सरकार को, महाराष्ट्र को, राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, उसको 13,449.65 करोड़ रुपए की आय हुई। बहुत बड़ी आय, बहुत बड़ी आय है, इसलिए सरकार का ध्यान इस तरफ है। दर्शकों, मैं बता रहा हूं आपको, इस मंदिर और शराब के ठेकों में क्यों महाराष्ट्र सरकार की पहली पसंद शराब के ठेके खोलने पे हुई है इस कोरोना काल। आपको बताएं कि इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारोबार का हाथ है। आपको बताएं कि अगर जो जिले पे बात जाती है तो शराब के उत्पादन के मामले में, मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों कि शराब के उत्पादन के मामले में नासिक, औरंगाबाद, पालघर, अहमदनगर पूरे तेजी से आगे बढ़ने वाले जिले हैं। सरकारी आंकड़े यह बयां करते हैं कि औरंगाबाद इन सभी जिलों में सबसे पहले नंबर पर आय का स्रोत है और सबसे ज्यादा उत्पादन यहां से होता है। इस जिले में महज 9 महीने में शराब से, 17-18 की बात कर रहा हूं मैं, शराब से 3,134 करोड़ रुपए सरकारी तिजोरी में गए हैं। सिर्फ 9 महीने में औरंगाबाद से महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी में, एक बार फिर बता रहा हूं आपको, 3,134 करोड़ रुपए गए हैं। औरंगाबाद सूखाग्रस्त क्षेत्र मराठवाड़ा का हिस्सा है और मराठवाड़ा में ही किसानों ने बड़ी भारी मात्रा में आत्महत्या की। यहां अब एक सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि जहां से इतने हजार करोड़ राजस्व सिर्फ 9 महीने में जा रहा हो, वहां किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अब मैं इसके बारे में और अगले कार्यक्रम में बताऊंगा कि यहाँ पे जो किसान हैं वो सूखाग्रस्त क्षेत्र में
किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, और यहाँ से सबसे ज्यादा शराब से आय जो है ये होती है और वो सरकार के तिजोरी में जाती है। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा यही है कि सरकार यह चाहती है कि जहां से हमारी आय हो रही है सबसे पहले उस क्षेत्र को खोला जाए। अच्छी बात, लेकिन आस्था को आप खूंटी पर टांग के नहीं कर सकते। या महाराष्ट्र सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि आस्था अलग विषय है और आपकी कमाई अलग विषय है। आपको उन नागरिकों को जो मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए भी उतना ही सजग रहना चाहिए जितना कि आप मदिरालय के लिए सजग हुए। दोनों एक साथ खोलते आप, आपकी आय भी होती और हमारे आस्था पर भी प्रश्न नहीं उठता। सवाल वही पुराना है और इसका जवाब मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही दिया है। उन्होंने कहा है कि आप दिवाली तक का इंतजार कीजिए, फिर हम चरणबद्ध तरीके से मंदिर खोलेंगे। भाई चरणबद्ध तरीके से आप मंदिर खोलेंगे, ठीक है, आप चरणबद्ध तरीके से मंदिर खोलेंगे, खोलिए चरणबद्ध तरीके से। चरणबद्ध तरीके से आपने मदिरालय खोला, क्या जिस तरीके से आपने मदिरालय खोला उतनी ही उसी तरीके से आप मंदिर नहीं खोल सकते? आपको खोलना चाहिए। लेकिन देखिए, पुराणों में कहा गया यह कलयुग, जब सरकार पर सत्ता का नशा चढ़ जाता है तो कुछ ऐसा ही होता है, कमाई पहले आ जाती है और लोगों की भावनाएं दूसरे नंबर। लोगों की भावनाओं को दूसरे नंबर पर रखने का काम किया है उद्धव सरकार ने और यह नहीं होना चाहिए। आप कमाई करिए, आप कमाई करिए, आप शराब से कमाइए, अन्य उत्पादों से कमाइए, टैक्स लगा के कमाइए, कौन रोकने जाता है? लेकिन लोगों की आस्थाओं का भी ध्यान रखिए। फिलहाल अभी तो इस कार्यक्रम में इतना ही, आगे और भी विभिन्न मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, किसानों के कार्यक्रम पे भी चर्चा करेंगे, किसानों के नए कानून पर भी चर्चा करेंगे, सरकार का रुख देखेंगे और देखेंगे कि नया कानून क्या कहता है और उसका विरोध क्यों हो रहा है, विरोध में राजनीति कितनी है या सरकार के कानून में दम कितना। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।